हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों, आज बात करते हैं व्हाट इज आइडियल एज ऑफ DNS सर्जरी। DNS सर्जरी की क्या आइडियल उम्र है? पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं DNS का क्या आइडियल एज है जिस पे हम ऑपरेशन करा सकते हैं। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, पेशेंट OPD में आता है, डॉक्टर साहब अभी इसको क्या उम्र है और इस उम्र पे हम DNS की सर्जरी करा सकते हैं। तो दोस्तों, चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है ये DNS प्रॉब्लम। दोस्तों, एक्चुअली जो हमारे नोज में, जो गॉड ने नोज बनाया है, उसके बीच में एक पार्टीशन हो जाए और उस पार्टीशन के कारण हमारे को दोनों तरफ से इक्वल ब्रीदिंग आती है। बहुत बार क्या होता है, ये जो पार्टीशन है वो एक तरफ डेविएटेड होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, दैट वी कॉल द डेविएटेड नेजल सेप्टम। जो हमारा सेप्टम है वो राइट और लेफ्ट साइड में डेविएटेड, उसको हम DNS बोलते हैं। दोस्तों, DNS के कारण हमारे को जो नोज के अंदर जो हमारा जो आइडियल, जो दोनों तरफ से जो हमारा इक्वल ब्रीदिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली पेशेंट को जो है नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए उसको जो है वो एक एंडोस्कोपिक सर्जरी जो होती है उसकी हम आइडियल एज की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, एक होता है कि जो हमारा DNS है उसके कारण बहुत ज़्यादा अगर नेजल ब्लॉकेज नहीं है पेशेंट को, तो ये जो सर्जरी है आइडियली हम 15 से 17 साल तक जो है वो हम डिले कर सकते हैं। आइडियल जो एज है उसमें सर्जरी हो सकती है। दोस्तों, कई बार ये जो DNS जो है वो इतना एक्सटेंसिव होता है कि हमें उससे जो नेजल ब्लॉकेज होता है, उस नेजल ब्लॉकेज के कारण हमें स्नोरिंग होती है, बच्चे को जो है वो ब्रीदिंग नहीं होती, बच्चे को जो है वो उसका डेवलपमेंट नहीं होता, बच्चे को जो है उसकी डेंटल स्ट्रक्चर जो है वो माउथ ब्रीदिंग के कारण बाहर आ जाती हैं, और बहुत बार क्या है उसको कान का जो है पर्दा है, पर्दे के अंदर जो है फ्लूइड इकट्ठा होकर परफोरेशन हो जाता है या उसका पर्दा चिपक जाता है। अगर ऐसी स्थिति की ओर जो है हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे सिम्टम्स हैं, तो डेफिनेटली इसका जो DNS की सर्जरी है वो 7 से 10 साल के बीच में भी कर सकते हैं, जिसको हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। दोस्तों, इट्स बेसिकली डिपेंड कि जो हमारा DNS है उसके कारण हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं दोस्तों, जो बहुत बार क्या है DNS के कारण प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हमें सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है। कैन यू इमेजिन? यस, बहुत बार क्या होता है कि जैसे किसी को DNS है, DNS के कारण पेशेंट को कोई नेजल ब्लॉकेज नहीं है, बट उसको आर्मी में जाना है, BSF में जाना है, CRPF में जाना है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पेशेंट है उसको जो DNS के करेक्शन के लिए जो इसकी सर्जरी होती है वो हमारे को कराने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो DNS की जो सर्जरी होती है, पहली बात एंटायरली एंडोस्कोपिक, बाहर से इसमें कहीं कोई चीर फाड़ टाँका पट्टी दर्द निशान नहीं होता, वो अंदर के अंदर किया जाता है। 1-1.5 घंटे की सर्जरी होती है एंड 1 डे भी एडमिटेड द पेशेंट इन हॉस्पिटल, एंड सर्जरी के बाद में वो सारे काम वो कर सकता है जो आज कर रहा है, एंड ये लाइफ लॉन्ग के लिए है, ये दोबारा बार बार नहीं होता। दोस्तों, जैसा आपने जाना कि DNS की जो एज है वो पीडियाट्रिक अगर सेप्टोप्लास्टी करते हैं तो 7 से 10 साल पे भी करा सकते हैं, एंड बाकी सो 15 से 17-18 साल के ऊपर भी इसकी यूजुअली जो सर्जरी की जाती है। सो आई थिंक दोस्तों, दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइडियली एज फॉर द सेप्टोप्लास्टी DNS करेक्शन इज यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द आइडियल एज ऑफ सेप्टोप्लास्टी DNS करेक्शन। थैंक यू।